यूपी की बुलंदशहर पुलिस भी एक बार फिर एक्शन मोड पर आ गई है। सिकंदराबाद पुलिस की एक ही रात में दो अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई। यहां सिकंदराबाद पुलिस की टॉप 10 अपराधी और सिकंदराबाद थाने के हिस्ट्री शीटर अमित उर्फ मुत्तू कसाई से उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब शातिर बदमाश देर रात बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। दरअसल बढ़ते अपराध के मद्देनजर सिकंदराबाद पुलिस टीम की ओर से NH 91 पर गुलावठी रोड अंडरपास के पास विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के दौरान अमित को भी रुकने का इशारा किया गया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान अमित की ओर से पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस की एक गोली शातिर बदमाश अमित उर्फ मुत्तू कसाई को लग गई। पुलिस ने घायल हिस्ट्री शीटर से बाइक, एक देसी तमंचा, दो खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि घायल अमित पर लूट डकैती जैसे डेढ़ दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक बदमाश सिकंदराबाद क्षेत्र के सावली गांव का निवासी है और सिकंदराबाद थाने की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी है कि अमित आखिर किस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। नाइट चेकिंग में जोखाबाद चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति को रुकाने पर वो रुका नहीं और वहाँ से फायर करते हुए भाग गया। उसकी गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं थी तो तुरंत पुलिस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी गई तो पास पास वाले गार्डियन उसका पीछा किया तो गुलावटी फ्लाईओवर के पास में उसने एक रोड पर मुड़ने की कोशिश की। वहाँ पर उसने वापस पुलिस पर फायरिंग की। इसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो राउंड फायर किए जो एक उस व्यक्ति को लगा है। उसको तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है और उसकी शिनाख्त अमित उर्फ मुत्तू कसाई हुई है जो सिकंदराबाद क्षेत्र के टॉप 10 अपराधियों में से है। वो पहले भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर कम से कम 10-15 मुकदमे हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है FSL को बुलाकर। वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में सद्दाम नाम के बदमाश से PRV पर तैनात पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से सद्दाम भी घायल हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमित उर्फ मुत्तू कसाई पर डेढ़ दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस सद्दाम का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। क्षेत्र में बड़ी वारदातों को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश। दोनों मुठभेड़ों में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। अमित से देसी तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद किए गए। सद्दाम से पुलिस ने एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। बुलंदशहर की सिकंदराबाद पुलिस की हिस्ट्री शीटर अमित से सिकंदराबाद NH 91 के किनारे कांवरा रोड पर और सद्दाम से औद्योगिक क्षेत्र में PRV सवार पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ हुई। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।